ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ डील होने की पार्टी, टकीला के शॉट्स तो हर मौसम को रंगीन बना ही देते हैं। जिस तरह बिना चीनी के चाय बिल्कुल फीकी लगती है, उसी तरह बिना टकीला के पार्टी भी फीकी फीकी सी लगती है। मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ना जाने कितने ही देशों में यह लेकर सबकी मन पसंदीदा बन चुकी है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको स्पेशल चटाकेदार लिकर के प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके इतिहास से जुड़ी हर एक बात को भी हम आपको गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी मजेदार वीडियोस लाते रहें। यूं तो आज हमारे देश में इसकी डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आइए सबसे पहले हम इतिहास में जाकर टकीला के अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगेव प्लांट्स को मैक्सिको में बहुत टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्री हिस्पैनिक कल्टिवेशंस अगेव को फूड और बेवरेजेस के रूप में इस्तेमाल करते थे। एक जो फर्मेंटेड अगेव का जूस है, एक प्री हिस्पैनिक अल्कोहलिक बेवरेज था। स्पेनिश कुस्टाडोर्स जब मेक्सिको में आए, उन्होंने डिस्टिलेशन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। अगेव प्लांट्स का फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन करके उन्होंने टकीला अल्कोहल को तैयार किया था। इसके कुछ सालों बाद जालिस्को स्टेट में 1978 में मैक्सिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डेजिग्नेशन देकर इसे टकीला रीजन का नाम रख दिया। इसका पर्पस टकीला की प्रोडक्शन को रेगुलेट करना था और साथ ही यह इंश्योर करना था कि टकीला सिर्फ ब्लू अगेव प्लांट से ही बने। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर मैक्सिको के फार्म्स में अगेव प्लांट्स को किस तरह हार्वेस्ट किया जाता है। इस वक्त आप जिस मैदान को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बड़ी भारी मात्रा में बड़े बड़े आकार के पाइनएप्पल्स जैसे दिखने वाले इन फलों को उगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, असल में यह अनानास या पाइनएप्पल के प्लांट नहीं है, बल्कि इन्हें ब्लू अगेव प्लांट कहा जाता है। इन फलों का इस्तेमाल खास तौर से टकीला बनाने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखकर समझते हैं कि आखिर इन अगेव प्लांट से किस तरह टकीला को तैयार किया जाता है। इनकी कटाई करने के लिए किसान पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इन खासम खास ब्लू अगेव प्लांट्स को अच्छी तरह से उगाने के लिए जिस प्रकार के मौसम की जरूरत होती है, वह मैक्सिको देश में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल एलोवेरा के जैसे दिखने वाले इन पौधों को उगाने के लिए बेल्ट एंड सॉइल और काफी सारी सनलाइट की जरूरत पड़ती है। इनकी बेहतर खेती और उत्पादन के लिए मैदानों को बिल्कुल अच्छी तरह से चुना जाता है। ब्लू अगेव प्लांट को लार्ज कूलेंट्स भी कहा जाता है। दरअसल इन पौधों की स्क्रूटनी के दौरान इनका विकास बड़ी अच्छी तरह से होता है, और जब यह अच्छी तरह पक जाते हैं तो इनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा इनकी चौड़ाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है। बात करें इन खास नाम ब्लू अगेव की, तो दोस्तों क्योंकि उनके पेट आमतौर पर नीले और हरे रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें यह खास नाम दिया गया है। ऐसी खास रंग के अलावा इन पत्तों के किनारों पर पहने कांटे होते हैं। इन्हें उगाने के लिए ज्यादातर सूखे इलाकों की जरूरत पड़ती है, और बिल्कुल एक कैक्टस के प्लांट की तरह इनके पत्ते भी पानी को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि वक्त पड़ने पर यह ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिन पेड़ पौधों को देख रहे हैं, यह कुछ साल पुराने हो चुके हैं। इन सभी में अच्छी तरह शाखाएं उग चुकी हैं, और जब आप इन पौधों को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नए नए सीडलिंग्स हैं जिन्हें मैदान में उगाने की तैयारी की जा रही है। सालाना इन मैदानों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में पौधों को लगाया जाता है। खेतों में लगाने से पहले इन ब्लू अगेव प्लांट्स के सीडलिंग्स को कई महीनों तक स्टोर किया जा सकता है, या ढेर सारी सीडलिंग्स यहाँ पर एक साथ स्टोर किए जाते हैं। रेड वॉल्केनिक सॉइल में काफी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इस मिट्टी के ऊपर होने वाली खेती काफी अच्छी मानी जाती है। गर्मी के मौसम में पौधों को मैदान में लगाने से पहले वर्कर्स अच्छी तरह इन्हें एक खास तरह के प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन में सोक कर देते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन सीडलिंग्स को किसी भी तरह का कीटाणु या फिर अन्य कीड़े मकोड़े से बचकर अच्छी तरह से रखा जा सके। दोस्तों, सबसे पहले वर्कर्स के द्वारा मैदान में अच्छी तरह से मार्किंग की जाती है, जिसके लिए सफेद रंग की लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इन मार्क्स को बनाते दौरान इनके बीच अच्छी खासी दूरी रखी जाती है, ताकि यहाँ लगाए गए सभी सीडलिंग्स को ग्रो करने में अच्छा खासा स्पेस मिल सके। बहरहाल, इसके बाद ये वर्कर्स ट्रैक्टर्स में बैठकर इन सभी सीडलिंग्स को मैन्युअली एक एक करके मैदानों में लगाते जाते हैं। इस काम को लोग मिलकर करते हैं। बड़ी बड़ी ट्रैक्टर से एक वर्कर सीडलिंग्स को मैदान में ड्रॉप कर देता है, और एक और वर्कर यहाँ बड़ी चुस्ती और फुर्ती के साथ एक एक करके सीडलिंग्स को यहाँ लगाता जाता है, और खुले मैदानों में यह काम कुछ इस तरह लगातार चलता रहता है। दोस्तों, इस नज़ारे को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार लाखों की संख्या में सीडलिंग्स को मैदान में लगाया गया है, और इन्हें ए फार्मिंग मेथड से उगाया जाता है, और बीच में अच्छा खासा स्पेस छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन्हें उगाने में अच्छा खासा वक्त लगता है,
जिसके चलते किसानों को अगले कुछ सालों तक इंतजार करना पड़ता है। इन ब्लू अगेव प्लांट्स को तैयार करने के लिए अच्छी खासी तैयारी करने में बाकी के आम फसलों की तरह एक या दो महीने या साल का वक्त नहीं लगता, बल्कि पूरे 7 या 14 साल तक का लंबा वक्त लग सकता है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनके निचले हिस्से का वजन पूरे 90 किलो तक का हो सकता है। इस मैदान का नजारा भी बिल्कुल देखते ही बनता है, किस प्रकार यहाँ पर ढेर सारे अद्भुत पौधे उगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जब बात इनकी देखरेख की आती है तो बड़े ध्यान से हर पौधे को जस्ट थोड़ा सा बगल से मिट्टी को उखाड़कर इनके अंदर फर्टिलाइज करने के लिए डाला जाता है। इस काम को भी वर्कर्स अपने हाथों की मदद से बड़ी ही तरीने से अंजाम देते हैं, जिसमें पहला वर्कर इन मिट्टी को खोदने का काम करता है तो दूसरा वर्कर बकेट से फर्टिलाइजर को इन गड्ढों में डालने का काम करता है। इसके अलावा मैदान में उग रही फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव भी किया जाता है। कीचड़ नुमा मिट्टी पर चलते चलते पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के काम को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद इन पौधों को अच्छी तरह से उगने का वक्त दिया जाता है। तो दोस्तों, यह तो थी बात इन्हें उगाने की और उनकी देखभाल को करने की। अब हम जानते हैं कि आखिर इनकी कटाई किस प्रकार की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए वर्कर्स मिलकर मैदान में पहुंच जाते हैं और अपने साथ एक लोहे के स्पेड को भी लेकर चलते हैं। स्पेड को नीचे जमीन में ठोक ठोक कर ब्लू एगे फ्रूट्स को जमीन के नीचे से बाहर निकाला जाता है। नीचे जमीन में मारने से इन पौधों की जड़ें टूट जाती हैं और इनमें लगे हुए पहने पहने कांटेदार फल बाहर निकल कर आ जाते हैं। यूं तो आजकल के नए और आधुनिक दौर में छोटे आकार के फलों को भी जमीन से उखाड़ लिया जाता है और इन्हें भी आगे फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन शुरुआत के समय में कई साल पहले इन्हें तब तक नहीं उखाड़ा जाता था जब तक इनका आकार हद से कुछ ज्यादा ही बड़ा ना हो जाए। और इस काम को वर्कर्स सदियों से अपने हाथों से करते आ रहे हैं, जिसमें कि उनकी ढेर सारी मेहनत लगती है। इस फल को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी मदद से लेकर को तैयार किया जाता है। इसके बाद बड़ी भारी मैदान में पड़े हुए इन अगे फ्रूट्स को उठाकर ट्रक में लोड कर दिया जाता है। एक बड़े आकार के ब्लू एगे फ्रूट को उठाने के लिए पूरे 5 या उससे भी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, इसके बाद इन बड़े बड़े फलों को स्टीम किया जाता है। खास इस काम को करने के लिए यहाँ पर इन गड्ढों को बनाया गया है, जैसे स्टीमर के अंदर मोमोज को डालकर स्टीम किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार इन अगे फ्रूट्स को इन गड्ढों में डालकर भुना जाता है। इन्हें मोटे कपड़े या फिर बोरे की मदद से ढक दिया जाता है और इन्हें पूरा ढकने के बाद इनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। पूरे 2 दिन बीत जाने के बाद यहाँ से मिट्टी को हटाया जाता है और इसके बाद इन्हें मैन्युअली ग्राइंड करने की बारी आती है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एगे फ्रूट को बड़े बड़े और धारदार हथियार की मदद से टुकड़ों में बांटा जाता है और उसके बाद बैलों की मदद से इनके ऊपर भारी भरकम पत्थर या फिर रोलर्स को चला दिया जाता है। काफी देर तक इन्हें अच्छी तरह पीस लेने के बाद इन्हें बड़ी बड़ी आकार के लकड़ी के टैंकों में डाल लिया जाता है। यहाँ एगे फ्रूट जूस को इनक्यूबेट किया जाता है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसे अपनी स्क्रीन पर होते हुए खुद देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से तैयार किए गए जूस को डिस्टिलेशन के लिए निकाला जाता है। इसके अंतर्गत इन्हें इन दीवार बंद टैंक्स के अंदर पलट दिया जाता है। यहाँ काफी वक्त तक इस जूस को ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है और इस लंबी चौड़ी हीटिंग के बाद इस जूस को एक्सट्रैक्ट करके इन स्पिरिट डिस्टिलर्स में भेज दिया जाता है, जहां स्पिरिट को डिस्टिल करके ऐसे व्हाइट अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों, कुछ यूं हमारी टकीला बनकर तैयार होती है। दोस्तों, इस प्रीमियम टकीला को और भी प्रीमियम पैकेजिंग देने के लिए इस ऑटोमेटिक पैकेजिंग लाइंस तक भेजा जाता है, जहां इन कांच की चमचमाती बोतलों में इन्हें भरकर कॉक लगाकर सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में देखा कि आखिर दुनिया भर में मशहूर हो रही टकीला अल्कोहलिक ड्रिंक को कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई और आप आगे भी ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही जानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।